देव आनंद भारतीय सिनेमा के बहुत ही सफल कलाकार, निर्देशक और फिल्म निर्माता थे। क्या आप जानते हैं कि देव आनंद के काले कपड़े पहनने पर पाबंदी क्यों लगाया गया? देव आनंद ने अशोक कुमार की फिल्में अछूत कन्या और किस्मत को देखकर अभिनेता बनने का फैसला किया। इन फिल्मों में अशोक कुमार की एक्टिंग से बहुत प्रभावित हुए थे। भारतीय सरकार ने देव आनंद को भारतीय सिनेमा के योगदान के लिए 2001 में पद्मभूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कारों से सम्मानित किया। 1965 में उनकी पहली रंगीन फिल्म प्रदर्शित हुई जिसका नाम था गाइड। ये फिल्म देव साहब की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। उनका कैरियर 65 से अधिक वर्षों तक चला। उन्होंने 114 हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें काला पानी और गाइड में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। देवानंद के हर अंदाज के दीवाने थे लोग। अपने जमाने में देव साहब फैशन आइकन माने जाते थे। फिल्मों से लेकर लुक्स तक हर चीज में देव साहब का जलवा बरकरार था। यूं तो अपने डायलॉग डिलीवरी के खास अंदाज के लिए मशहूर थे, लेकिन एक और चीज थी जिस वजह से उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी। वो था उनका काला कोट और उसे पहनने का खास अंदाज। दरअसल देव साहब अक्सर सफेद शर्ट के साथ काला कोट पहनते थे और ब्लैक कोट में जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। ऐसा कहा जाता है कि जब भी वह काले रंग का सूट पहनकर सार्वजनिक रूप से बाहर निकलते थे तब लड़कियां उन्हें देखकर पागल हो जाती थीं। उनके लिए कुछ भी कर गुजरने को कोशिश करती थी। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि कई लड़कियों ने इस काले कोट के कारण सुसाइड करने की कोशिश भी की, ऐसा मैगजीन्स या लोग कहते हैं। उन्हें काले कपड़े में देखने के लिए लड़कियां अपनी छत से कूद पड़ेंगी, ऐसा लगता था। शायद इतिहास में किसी अभिनेता के किसी लुक को दीवानगी की इतनी हद तक प्यार मिला हो। देव साहब के काले कोट में लड़कियों की ऐसी दीवानगी देखकर कोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ा और कोर्ट द्वारा देव आनंद के काले रंग के सूट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह पहली बार था जब कोर्ट को किसी एक्टर के पहनावे के मामले में दखल देना पड़ा। देव साहब अपने ऑफिस के फोन खुद ही रिसीव करते थे। यही नहीं, फोन उठाकर वह बहुत प्यार से कॉलर को ग्रीट भी करते थे, फिर चाहे उनका फैन ही क्यों ना हो।